हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ। गाइस, ये है आईफोन का 13 प्रो जो कि 2021 में लॉन्च करा गया था एप्पल की तरफ से। आज के डेट में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे पूछते हैं आईफोन 13 प्रो उनको गेमिंग के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो फोन है आज के डेट में हमें काफी सस्ते प्राइस में देखने को मिलता है। लगभग से लगभग आपको 50,000 रुपए के आसपास में देखने को मिल जाता है। इसीलिए सबका ये सवाल रहता है कि क्या हमें आईफोन 13 प्रो आज के डेट में 2024 में बीजीएमआई गेम प्ले वगैरह के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या इस फोन में हमें अच्छी गेमिंग देखने को मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, फ्रेमरस वगैरह होते हैं या फिर नहीं होते हैं, हीटिंग इशू देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपका सारा ये सब डाउट क्लियर करने वाला हूं कि आज के डेट में 2024 में आपको आईफोन 13 प्रो एक गेमिंग पर्पस से लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, नीचे में आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा होगा, उसे दबा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईफोन 13 प्रो में हमें कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो आईफोन 13 प्रो में हमें एप्पल का A15 बायोनिक चिप देखने को मिलता है और ये फोन 6GB रैम के साथ में आती है। बीजीएमआई की अगर मैं ग्राफिक सेटिंग की यहाँ पर बात कर लूँ तो यहाँ पर हमें स्मूथ में एक्सट्रीम प्लस तक का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि एक्चुअल में 90 FPS है और HDR में आपको एक्सट्रीम तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वैसे गेम प्ले की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको iPhone 13 Pro के बेसिक फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा। इस फोन में हमें एक 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120 Hz के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है। प्रोसेसर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। कैमरास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 12+12+12 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में भी हमें 12 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और बैटरी एमएच की बात करूं तो यहाँ पर हमें 3095 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है। मोटा मोटा आप लोग समझ सकते हो कि 3100 एमएच की हमें बैटरी देखने को मिलती है आईफोन 13 प्रो में। अब बढ़ते हैं गेम प्ले की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि मैंने इस फोन में सिर्फ स्मूथ प्लस 90 FPS सेटिंग्स में ही गेम प्ले करके देखा है कि इस फोन में हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, क्योंकि मेजरली जो लोग होते हैं वो इसी सेटिंग में गेम प्ले वगैरह करना पसंद करते हैं, ना कि HDR प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स में। तो गेम प्ले के बारे में बात करूं तो यहां पर जब भी मैं गेम प्ले वगैरह करना स्टार्ट करता हूं, आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, जितने देर भी मैं गेमप्ले वगैरह करूं, इस फोन में मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी लैग या फिर जिटरनेस या फिर फ्रेम रेट वगैरह कुछ भी यहां पर देखने को नहीं मिलता है। फ्रेम रेट वगैरह की बात करूं तो यहां पर हमें चिपक के 90 FPS देखने को मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा कम होता भी है तो 82, 83, 85 इसी तरह का देखने को मिलता है। उससे ज्यादा कम कभी भी मैंने इस फोन में होते हुए नहीं देखा है। चाहे आप लोग हॉट ड्रॉप पे जाते हो, लूट करने जाते हो, आप पे रश हो रही होती है या फिर आप लोग रश कर रहे होते हो, किसी भी कंडीशन में आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं आने वाला है कि फोन जो है वो अटक अटक के चल रही हो या फिर जिटरनेस देखने को मिल रही हो, लैग देखने को मिल रही हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी फील आने वाला यहाँ पर नहीं है। काफी ज्यादा आपको बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा आईफोन 13 प्रो में। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मेरे बेसिस पे मैं आपको इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कि इस फोन से आपको काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप लोग आज के डेट में 2024 में आईफोन 13 प्रो को 50,000 रुपए के आसपास में परचेज करते हो। तो फिर रही बात हीटिंग इशू की, तो यहाँ पर मुझे हीटिंग की इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। वार्म जरूर हो जाती है जो कि थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट हीटिंग की इशू मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हीटिंग की इशू हो गया कि काफी ज्यादा हीट हो जाना, आप अच्छे से पकड़ भी ना पाओ और उससे आपकी गेमिंग में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़े, बट यहाँ पर ऐसा आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। वार्म जिस फोन में आपको फील होगी वो आपको सबसे ज्यादा इस फोन के साइड्स में होगी, क्योंकि वहां पर हमें स्टेनलेस स्टील का फ्रेम देखने को मिल जाता है जहां पर आपको सबसे ज्यादा हीट देखने को मिलती है, मतलब हीट नहीं वार्म हो जाती है काफी ज्यादा, बट उसकी वजह से आपकी गेमिंग में किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब रही बात बैटरी बैकअप की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस फोन में हमें लगभग 3100 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और मेरे फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 85% है। अगर आप लोग कंटिन्यू आधे घंटे तक की गेम प्ले करते हो इस फोन में आपको जो बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगी लगभग आपको 8-9% के आसपास में देखने को मिलेगी, और अगर आप लोग कंटिन्यू 1 घंटे तक की गेम प्ले करते हो उस केस में आपको 17-18-19% के आसपास में बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस फोन से आपको किस तरह की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी गेमिंग के टाइम पे और आप लोग अपनी कितनी गेम प्लेज वगैरह निकाल सकते हो। अब बात आती है कंक्लूजन पर कि क्या आपको आज के 2024 में आईफोन 13 प्रो को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा कि आपको आंख बंद करके इस फोन को इजीली ले लेना चाहिए अगर आप लोग इस फोन को गेमिंग पर्पस से लेना चाहते हो तो फिर, क्योंकि यहाँ पर आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। बस आपको बैटरी बैकअप को लेकर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ सकता है यहाँ पर अगर आप लोग एक ऐसा आईफोन 13 प्रो लेते हो जिसमें कि आपको 85% के आसपास में बैटरी हेल्थ देखने को मिल रही हो। आईफोन 13 प्रो के अलावा मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा, सेकंड हैंड में आपको
इसी प्राइस रेंज में 45 से 50,000 रुपए के आसपास में आपको आईफोन 14 प्लस देखने को मिल जाता है, जिसमें कि इससे आपको काफी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, काफी ज्यादा बड़ी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है। बट हाँ, वहां पर आपको 90 FPS देखने को नहीं मिलता है, वहां पर आपको सिर्फ 60 FPS ही देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को ज्यादा लेना देना नहीं है 60 FPS और 90 FPS से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आईफोन 14 प्लस की तरफ जाओगे, तो वहां पर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल जाएगा और वहां पर आपको डिस्प्ले का साइज बड़ा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका थोड़ा सा और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताना कि आप लोग आईफोन 13 प्रो लेना पसंद करोगे या फिर आईफोन 14 प्लस को लेना ज्यादा पसंद करोगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या फिर पसंद आओ तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा हो, उसे दबा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिनिश स्टूडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।